हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रिकी वाफेडी है। मेरे चैनल में आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल का आइकन उसमें प्रेस कीजिए, क्योंकि जब भी मैं इसी टाइप की वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराऊंगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसीलिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज फिर से आप लोगों के लिए एक इंडियन आर्मी का भर्ती लाया हूँ। दोस्तों, कौन सी स्टेट का है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट इसमें जा सकते हैं, वो एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए। मैं आप लोगों को पूरा अच्छी तरह से समझाने वाला हूँ। दोस्तों, मैंने दोस्तों इंडिया में जितना भी स्टेट है, जितना भी डिस्ट्रिक्ट है, सभी स्टेट सभी डिस्ट्रिक्टों का ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने आपका स्टेट का या अपना डिस्ट्रिक्ट का वीडियो नहीं देखा है तो मेरे यूट्यूब चैनल में देखिए, उसका रिलेटिव वीडियो ज़रूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करते हैं या रजिस्ट्रेशन किस तरह से करते हैं अपने मोबाइल में, कुछ भी सही है दोस्तों, मेडिकल टेस्ट, रिटेन टेस्ट, फिजिकल, सिलेबस वगैरह कुछ भी वीडियोस आते हो, इंडियन आर्मी, टेरिटोरियल आर्मी या एसएससी जीडी की कुछ भी वीडियोस आते हो ना, तो मुझे कमेंट कीजिए। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, वो भी देख लीजिए एक बार। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी टाइप की वीडियो मैं आप लोग हमेशा प्रोवाइड कराता रहूँगा। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, ये इंडियन आर्मी रिक्वायरमेंट जो ऑफिस है वो है सिलीगुड़ी, यानी कि वेस्ट बंगाल का है। ठीक है, आज की वीडियो वेस्ट बंगाल के लिए है, जो वेस्ट बंगाल का कैंडिडेट है उन लोगों के लिए। लेकिन वेस्ट बंगाल का कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, आर्मी रिक्वायरमेंट रैली एट द बिकुंठापुर आर्मी ग्राउंड। ठीक है, वैकुंठापुर आर्मी ग्राउंड में होगा ये रैली होगा दोस्तों। और दोस्तों, ये जो रैली आप लोगों का शुरू होगा वेस्ट बंगाल का, वो 5 सितंबर से लेके 12 सितंबर तक ये रैली चलेगा। 5 सितंबर से लेके 12 सितंबर के बीच में ये रैली चलेगा आप लोगों का। और दोस्तों, इनमें कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट जा सकते हैं ये एक बार आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप इसमें जा सकते हैं, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट जा सकते हैं, दार्जिलिंग जा सकते हैं, अलीपुर द्वार जा सकते हैं, मालदा जा सकते हैं, कलिमपोंग जा सकते हैं, उत्तर जा सकते हैं, उसके बाद दोस्तों दक्षिण जा सकते हैं, उत्तर जा सकते हैं, दक्षिण दीनापुर जा सकते हैं, उसके बाद दोस्तों कुछ बिहार जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो मैंने अभी डिस्ट्रिक्ट बताई है, यही डिस्ट्रिक्ट इस रैली में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, उसकी अलावा जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसका भी वीडियो मैं छोड़ चुका हूँ या तो छोड़ने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, इसके लिए जो ऑनलाइन अप्लाई शुरू होता है वो ऑनलाइन अप्लाई 7 जुलाई से लेकर शुरू होगा, और दोस्तों 20 अगस्त के बीच तक ये ऑनलाइन अप्लाई चलेगा। और दोस्तों, ऑनलाइन अप्लाई अपने मोबाइल में किस तरह से करते हैं मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है, आप एक बार देख लीजिए उस वीडियो को, उसके बाद आप खुद ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो अपने मोबाइल में। ठीक है, और दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई के बाद जो एडमिट कार्ड आता है वो एडमिट कार्ड 21 अगस्त से लेकर 27 अगस्त के बीच में आप लोगों को एडमिट कार्ड प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और ईमेल में भी आपको सूचित कर दिया जाएगा। ठीक है, और दोस्तों अभी आप लोग ये देखिए, आपको आपका क्या क्या पोस्ट मिल रहा है, कितना हाइट वेट वगैरह सही है, सब कुछ आप लोग को अच्छी तरह से देख लीजिए। ठीक है, और दोस्तों पोस्ट आप लोग को सोल्जर जनरल ड्यूटी का पोस्ट मिल रहा है, जीडी का मिल रहा है, जिसमें आप लोग को 17.5 साल से लेकर 21 साल के बीच में आप लोग को एज चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हाइट 169 चाहिए, वेट 50 kg चाहिए, और शेस्ट 77 नॉर्मल और 5 इंच आपको फैलाना होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप लोग को एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आप 10th पास हो तो आप लोगों को 45% होना पड़ेगा, और एवरी सब्जेक्ट आपको 30 होना ही पड़ेगा। ठीक है, तभी आप जीडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों, अगर टेक्निकल में जाना चाहते हो, टेक्निकल और दोस्तों नर्सिंग असिस्टेंट टेक्निकल सब सेम ही है, ये एक ही बोलूँगा, बाकी आप सेम ही है। ठीक है, और दोस्तों 17.5 साल से अगर 23 साल के बीच में एज लिमिट दोनों का, और आप लोगों का हाइट आप लोगों को 169, 50 kg वेट, 77 नॉर्मल, 5 इंच आपको फैलाना होता है, साइंस का स्टूडेंट होना पड़ेगा, और 10+2 आपका होना पड़ेगा, यानी कि हायर सेकेंडरी पास होना पड़ेगा, और 50% होना पड़ेगा, और एवरी सब्जेक्ट आपको 40% होना पड़ेगा, तभी आप इस पोस्ट के लिए नर्सिंग असिस्टेंट एंड टेक्निकल के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों सोल्जर क्लर्क के लिए अगर आप जाना चाहते हो, जिसमें आप लोग को एज लिमिट 17.5 साल से लेकर 23 साल के बीच में मांगा जा रहा है, और दोस्तों हाइट 162,
वेट 50 kg मिनिमम, और दोस्तों सेस 77 नॉर्मल और 5 इंच आपको फैलाना होता है। और दोस्तों 10+2 सही है, यानी कि हायर सेकेंडरी पास सही है, लेकिन आप आर्ट्स का स्टूडेंट हो, कॉमर्स का स्टूडेंट हो, साइंस का स्टूडेंट हो, यानी कि आपका स्ट्रीम कौन सा भी है आप दे सकते हो, लेकिन आपका परसेंटेज 60 होना पड़ेगा और एवरी सब्जेक्ट में आपको 50% होना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ट्रीटमेंट का आप लोगों को मिला है, ट्रीटमेंट का जो जीडी का पोस्ट है उसमें आप लोगों को एज लिमिट 17.5 साल से लेकर 23 साल के बीच में, हाइट 169, वेट 48 kg, सेस 76 नॉर्मल और 5 इंच फैलाना होता है। और दोस्तों अगर आप 10 पास भी हो तो लेकिन आप लोगों को सभी सब्जेक्टों में 33 एबोव होना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप 8 पास के लिए अप्लाई कर रहे हो उसमें आप लोगों को एज लिमिट 17.5 साल से लेकर 23 साल के बीच में, हाइट 169, वेट 48 kg, सेस 76 नॉर्मल 5 इंच फैलाना होता है। अगर 8 पास भी हो तब भी आप लोग को 33 होना ही पड़ेगा, तभी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों रिलैक्सेशन के बारे में बात करते हैं, जैसे अगर आप गुरखा नेपालीज हो इंडिया का, तो आप लोग को उसमें हाइट में 157 होने से हो जाएगा, सेस 77 और वेट 48 kg होने से आपका हो जाएगा। अगर दोस्तों आप ST कैंडिडेट हो तो आप लोग को 162 हाइट, सेस 77 नॉर्मल, वेट 48 kg। अगर आप ST H हो, यानी कि आप ST हिल से बिलोंग करते हो, जैसे अगर GD के लिए जा रहे हो तो आप लोग को 160 हाइट, सेक्स 77, सेस 48 वेट। और अगर आप ST हिल्स से बिलोंग करते हो तो अगर आप सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट या नर्सिंग असिस्टेंट वेटरनरी में जाना चाहते हो तो उसमें आप लोग को हाइट 157, सेस 77 नॉर्मल और वेट 48 kg चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फादर बर्डर रिलैक्सेशन, दोस्तों अगर आप फादर बर्डर कोई भी नौकरी करता है आपका, तो उसकी वजह से आप लोगों को जो बेनिफिट्स मिलता है, हाइट में 2 इंच में मिलेगा, सेस में 1 इंच का और वेट में 2 kg का। मान लीजिए आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हो, आपने इंटरनेशनल नेशनल या इंटरनेशनल हो या नेशनल हो या स्टेट हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, अगर आपने खेला है जिसमें आप लोगों को फर्स्ट या सेकेंड पोजिशन है, उसकी वजह से आपका छूट मिलेगा, जैसे हाइट में 2 इंच का, सेस में 3 इंच का और वेट में 5 kg का छूट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फिजिकल में क्या क्या होता है, 1600 मीटर का रनिंग होता है जिसमें आप लोग को 5 मिनट 30 सेकेंड के अंदर रखा जाता है, एक्सीलेंट माना जाता है, जिसमें आप लोग को 60 मार्क दिया जाएगा। और दोस्तों अगर 5 मिनट 30 सेकेंड से लेके 45 सेकेंड के बीच में, तो उसको 48 मार्क मिलता है। और पुलअप्स जिसको बीम बोलते हैं, उसमें आप लोग अगर 10 सेट लगाते हो तो आपको 40 मार्क, 9 सेट लगा तो 33, 8 सेट लगा 27, 7 सेट लगा तो 21, अगर 6 सेट लगा तो 16 मार्क मिलेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर आप 9 फीट का लॉन्ग जाप लगाना होगा, उसके बाद आप लोग को जिगजैग बैलेंसिंग आप लोग को देखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, आप लोग को मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होता है मैंने वीडियो बनाया है, रिटेन टेस्ट में क्या क्या होता है वीडियो बनाया है, फिजिकल किस तरह से ग्राउंड पर रनिंग करते हैं उसका भी वीडियो बनाया है, रिटेन का सिलेबस का भी वीडियो बनाया है, एडमिट का जब आ जाएगा उसको किस तरह से डाउनलोड करते हैं उसका भी वीडियो बनाया है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या सही है उसका भी वीडियो बनाया है। उसके बाद दोस्तों NCC सर्टिफिकेट क्या होता है, किस तरह से निकाला जाता है उसका भी वीडियो बनाया है। उसके बाद दोस्तों स्पोर्ट्स पर्सन का कितना बेनिफिट्स मिलता है उसका भी वीडियो बनाया है, एफिडेविट क्या होता है, उसको क्यों निकालना पड़ता है, कब निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है उसका भी वीडियो बनाया है। दोस्तों मैंने इंडियन आर्मी, टेरिटोरियल आर्मी या SSC GD या डिफेंस की सभी डिफेंस का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, सबका बहुत अच्छी तरह से समझा के मैंने वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। दोस्तों मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है और इसी टाइप की वीडियो आप लोगों को हमेशा प्रोवाइड कराता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।